अगर इतनी कोई बात बोल दिया ना तो सारे पाप से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए अच्छे काम में कभी टांग नहीं, कुछ किसको बुरा किसको अच्छा ही नहीं कर सकते हो, कभी किसकी बुराई हमें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो शुक्राचार्य जल किया हुआ उसकी आंख चली गई है, उसकी आंख चली गई है। फिर जब संकल्प किए ठाकुर जी एक पग में भूर भूव मोह जन तप और सत्य लोक गुण ने लिया, सत्य लोक में जब चरण पहुंचा भगवान वामन देव भगवान ब्रह्मा जी उनके चरण को धोकर के कमंडल में जो पानी रखे वही श्री प्रतीक पावन माता गंगा बनो। श्री गंगा देवी की, श्री गंगा महारानी की जय। दूसरे पद में अतल बीतल तलातल पाताल लोग मिले गए। अभी तीसरे पद बोलो कहाँ रखे, उन्होंने नागभास बंधन में उनको बांध दिए। उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी बुद्धिमान थी, बड़ी बुद्धिमानी पत्नी ने बोला क्या आपने दिया ठाकुर को, कुछ दिया ही नहीं, दुनिया ठाकुर जी की, ठाकुर दुनिया ले लिया, जब तक खुद को खुद नहीं देते हो देना थोड़ी होता है, बोलो ना अपना सर पर प्यार रखे। अरे वाह, पत्नी ऐसे होनी चाहिए। देखो यहाँ पर पत्नी के लिए शिक्षा देते हैं, स्त्री का नाम पत्नी क्यों, पा पा मतलब होता है पतन, ती जो पति को कभी पतन होने नहीं दे, हर समय पति की धर्म में जितने दूर हो सके पति को तो मदद करे, ऐसे नहीं सुख में रहे दुख में आए तो भाग जाए, हैं? हर समय पत्नी को पति की मदद करनी चाहिए, बल्कि सही पत्नी हो। बड़े खुश हो गए, बोले प्रभु ये बताओ दान बड़ा ना दानी बड़ा, बोले दानी बड़ा, बोले केवल आप तो दान करिए अभी तो दानी स्वयं बाकी है, बोले बताओ कहाँ रखे, बोले सर पर रखो। फिर ठाकुर जी तीसरे चरणों का सर पर रखे, सारे देवता लोग आश्चर्य हो रहे थे और उन्होंने स्वर्ग से उन्होंने पुष्पों की बौछार की। बोले श्री बामन भगवान की, श्री बलि महाराज की। अभी भगवान उनको सुतल लोक में स्थान दिए, बोले बताओ क्या चाहिए, बोले प्रभु मेरे को एक वरदान दो, मेरे जो घर है चार दरवाजा है, चार दरवाजा में मैं जब जाऊं आपका दर्शन करके जाऊं, जब अंदर में आऊं आपका दर्शन करके मैं अंदर में आऊं। भगवान उनको तथास्तु बोल दिए, स्वयं भगवान उनकी प्रेम में बसीभूत होकर के उसकी भगवान ने दरवान बन गए। अभी लक्ष्मी देख रही है प्रभु गए तो गए, नारद जी आए बोले क्या बात, बोले प्रभु कहीं गए आए नहीं, बोले भगवान तो विदेश में अपना नौकरी ढूंढ लिया, बोले नौकरी, बोले कहाँ पर, बोले बलि महाराज के दरबार में उन्होंने दरवान की नौकरी ले ली, बोले हे भगवान ठगने गए स्वयं ठग गए। अभी माँ लक्ष्मी आई देखा नारायण को जगते रहो बोल रहे, बोले ठाकुर जी यही कसर रह गई थी, क्योंकि भगवान भक्तों के लिए संकाम किए, बोले यही कसर रह गई थी दरवान बनना, बोले ज्यादा बोले मत, मैं ड्यूटी में हूँ, अभी ड्यूटी में बात नहीं कर सकता हूँ। इतने में बलि महाराज रोज दान देते हैं, माँ लक्ष्मी भी लाइन में खड़ी, भाई बोले मांगो, बोले पहले संकल्प कर फिर मांगो, बोले पहले तो एक संकल्प कराने वाला आया था ये दूसरे कहां से आ गए, बोले मांगो ना संकल्प की क्या जरूरत, बोले नहीं पहले संकल्प कर, संकल्प किए तो बोले मेरे घर में तो सारी चीज है लेकिन एक चीज की कमी है, घर में कोई अच्छे दरवान नहीं है, मैंने देखा बड़े सुंदर दरवान वहां पर आप उसको दे दो, वो समझ गए, बोले पहले बताओ आप कौन हो, माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट होती। देखो भगवान भक्तों का प्रेम में कितने वशीभूत हो जाते हैं, ये चीज को देखो भगवान कितने दयालु, माँ लक्ष्मी कौन है जिनकी कृपा सब चाहते हैं, है ना, माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होना सब दरिद्र बन जाएंगे, खाना पीना खत्म हो जाएंगे, इसलिए लक्ष्मी की कृपा सारा दुनिया चाहते हैं, इसलिए लक्ष्मी के हाथ ऐसी रहती है, दुनिया उनकी कृपा प्रार्थना चाहती है, लेकिन ऐसे जो माँ लक्ष्मी को दान दे रहे हैं कौन, बोले बलि महाराज, दुनिया को जो देने वाली क्या दे रही है, बोले छोटे मोटे चीज नहीं, विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है वो दे रहे, उनको हाथ ला करके लक्ष्मी को हाथ में पकड़वा दिया। और देखो भगवान की कैसे दुनिया को जो देने वाले उनको भगवान को दान दिया, इसलिए इनकी जो दान है ना दुनिया में कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। बोले श्री बलि महाराज की, बोले श्री बामन भगवान की जय, जय श्री राम।
अभी भगवान वामन देव आप लोगों के पास भिक्षा लेने के लिए जाएंगे। भगवान को भिक्षा देने का बड़ा पुण्य है। सुदामा जी दो मोटे चिड़वा दिया तो ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिए। इसलिए आप लोग थोड़ी थोड़ी वामन देव को आप लोग कुछ ना कुछ भिक्षा देना। आप देखो कल है राधा रानी जन्म लेगी, आज तो सबके सब पीले रंग के साड़ी पहन कर आए, कल कौन से रंग का साड़ी पहन, कल गुलाबी रंग की साड़ी पहन, ठीक है ना, कल राधा रानी की जन्म। और देखो ध्यान देकर के आज जिन लोगों ने एकादश व्रत रखे हो एक समय होता है व्रत खोलने का, समय देखा है कितने बजे भैया, व्रत खोलने का समय देखा कितने बजे, किसने देखा, 30 साल है। और एकादशी व्रत खोलने का और भी नियम जानते हो, अगर किसी साधु संत को कुछ दे करके अगर व्रत खोले तो जैसे दुर्वासा जी आए ना, इसलिए अंबरीश महाराज प्रसन्न हो गए, साधु आए, साधु को खिला कर कुछ दे करके व्रत खोलना चाहिए, अगर करोगे तो और ज्यादा फल मिलेगा। 8 साल तक आ जाओ, वामन देव को भेज दो भैया, वामन देव को ले जाओ, चलो कोई है, हाँ है, हेलो अनिरुद्ध तुम जाओ, जाओ तू जाना, तू मैं कहाँ ले जाऊँ, तेरा नाम अनिरुद्ध है, जय जय श्री राम लाइव चल रही है, लाइव
जिनका नाम श्राद्ध देव मनु, इनके घर में सारे सुख है लेकिन घर में कोई संतान नहीं। राजा बड़े दुखी है। उन्होंने वशिष्ठ जी को बोले, मैं एक संतान चाहता हूँ। तो उन्होंने यज्ञ किए। राजा के मन में इच्छा घर में एक बालक भी जन्म, लेकिन जो रानी की मन में इच्छा है घर में बेटी है। क्यों? बेटी होगी तो माँ को मदद करेगी। अब सही है। जब उन्होंने यज्ञ कर रहे थे, उनकी रानी जा करके ब्राह्मणों को कानों में चुप्पी से बता दी, बोले देखो घर में अगर बेटी होगी ना मुंह मांगी तुम्हें दक्षिणा मिलेगी, अगर बेटा होगा ना भैया हमें कोई दक्षिणा नहीं देगी। अभी ब्राह्मण लोगों ने देखा भैया भैया माँ से मतलब है, दक्षिणा भैया मिलनी चाहिए। देखो पहले पहले ऋषियों की मंत्र में कितने शक्ति थी। जब यज्ञ करते थे, यज्ञ करके आहुति देते थे बेटे के लिए, वो खीर खिलाओ तो बेटी जन्म होती। अगर बेटा के लिए अगर यज्ञ करे वो ऐसे खीर बनाते थे मंत्र पढ़ करके, उसको खिलाओ तो बेटा होगा। मतलब इतने साइंस, इतने आठ भाग था। अभी ऐसे कोई पद्धति है? ऐसे कोई पद्धति है जो कि बेटा हाँ ऐसे कर तो बेटा जन्म होगी, ऐसे कर तो बेटी जन्म होगी? अभी कोई कुछ कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकते। इसलिए पहले जो साइंस थी ना अड़भांस थी, उन्होंने ऐसे मंत्र पढ़ करके खीर बनाए और पत्नी को खिलाए ना, उसको घर में बेटी की जन्म हुई, उसका नाम रख दिया एला। राजा ने वशिष्ठ जी से बोले, बोले महाराज ये बेटी कैसे हो गई? उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाए, बोले ये बेटी कैसे हो गई? बोले हमारी कोई दोष नहीं, घर में एक मत थी, रानी हमें बताया अगर बेटी होगी मुंह मांगी दक्षिणा मिलेगी, हमने ऐसे मंत्र पढ़ दिए। इतने में श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, देखो ध्यान देख रहे सुना, श्री वशिष्ठ जी कहते हैं देखो घर में अगर बेटी जन्म लेना, सारा दुनिया कहते हैं नारायण घर में लक्ष्मी आएगी, कहते हैं ना, अगर कोई बेटा आए तो कोई नहीं कहता है नारायण आया। अच्छी बात है, घर में बेटी आई लक्ष्मी की कृपा होगी, लक्ष्मी स्वरूप। बोले ये तो बात ही बात की बात है, हमें तो बेटा चाहिए। देखो पहले ऋषि मुनियों में कितने शक्ति थी। वो जो बेटी थी ना, वशिष्ठ ने ऐसे मंत्र पढ़े, वो बेटी को उन्होंने बेटा बना दिया, जिसका नाम हो गया सुदुम्ना नाम हो गया। इतने शक्ति थी मंत्र में। जब सुदुम्ना धीरे 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 सुदुम्ना ने बड़ा हुआ, एक दिन अपना सैन्य सामंतों को साथ में भ्रमण करते करते एक जंगल में पहुंचा, और जंगल में प्रवेश करते ही जितने घोड़ा थे ना सबके सब घोड़ी हो गए, और जितने सबके सब
पुरुष थे सबके सब हो गए लड़की, और ये जो राजकुमार था ये हो गई राजकुमारी। ए बच्चों सामने बात मत करो, ये जितने माता है ना घर के सब गड़बड़ी करके बैठ गए, जितने गप्पे मारते हैं सब चुप बैठो, सामने वाले बच्चा को बैठा दो, कहीं पर बैठ गया बच्चा वहीं पर बैठो। अभी सबके सब जितने सबके सब बेटी और सबके सब लड़की बन गए। अभी जितने सबके सब अपना शरीर को देखा वो सबके सब बेटी बन गए, इतने शर्मिंदा हो गए घर में वापस नहीं आ पा रहे। राजा को पता चला, फिर राजा वशिष्ठ के पास में गए, बोले वशिष्ठ जी ऐसे कैसे हो गया, बोले वो जंगल में स्वयं शंकर जी उसी जंगल में रहा करते थे। एक दिन शंकर जी पार्वती को साथ में मिल रहे थे, चतुस्थान प्रभु का दर्शन करने के लिए आए, आए तो देखा शंकर पार्वती मिल रहे थे। इतने माता पार्वती इतने दुखी हो गई, इतने शर्मिंदा हो गई, शंकर जी को बोले कोई घर गृहस्थी जिसकी इच्छा हो मुंह उठाकर यहाँ आ जाते। शंकर जी तब से अभिशाप दे दिए, आज से अगर इसी जंगल में कोई पुरुष आएगा तो वो पुरुष नहीं सबके सब स्त्री बन जाए। अभी उनको किसको पता ही नहीं ये बात, सबके सब स्त्री बन गए। फिर उन्हें गुरु जी के पास में गए, फिर गुरु जी शंकर जी के पास में गए। शंकर जी बोले देखो एक काम कर सकता हूँ, एक महीना तो ये रहेंगे बेटा और एक महीना रहेगी बेटी, इतना कर सकता हूँ। बोले इतना कर दो। जब उन्हें देखा तब उसकी शादी हुई, शादी हुई तो उसके जो बच्चा हुए उसकी परंपरा में जो आए सूर्य वंश में आए, सूर्य वंश में स्वयं भगवान राम जन्म हुए। जब बेटी एला थी इसकी सिर्फ बुद्ध के साथ में शादी हुई, शादी हुई तो उससे जो बच्चा हुए हैं उससे चंद्रवंश चला और चंद्रवंश में स्वयं कृष्ण आए। देखो ठाकुर जी कैसे अद्भुत लीला है, एक व्यक्ति से चंद्रवंश और एक व्यक्ति से ही सूर्य वंश आए, और ये दोनों वंश में दो ठाकुर आए, एक में राम आए और एक में से कन्हैया आए। बोले श्री राम चंद्र भगवान की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी भगवान कृष्ण की कथा आ रही है, बोले जो भगवान की जो कथा है ये चंद्रवंश सूर्य वंश में बड़े बड़े राजा लोग आए, लेकिन सबसे प्यारी कथा किसकी है, बोले कृष्ण और राम की, इनकी कथा सबसे सुंदर कथा है। बोले भगवान की कथा कैसे, बोले तीन गंगा है, एक आकाश में जिसका नाम मंदाकिनी, एक मरते जगत में जिसका नाम भागीरथी, और एक पाताल में जिसका नाम भोगवती। जैसे ये तीन गंगा तीन लोगों को पवित्र करती है, भगवान की कथा भी तीन लोगों को पवित्र करती है। बोले किसको किसको, बोले सुनने वाले, बोलने वाले और प्रश्न करने वाले, ये तीनों का भगवान की कथा कल्याण करती है। और भगवान की कथा इतने मीठी इतने मधुर है, कहते श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्म ज्ञानी, पहले वो ब्रह्म ज्ञानी थे लेकिन इनको कान में केवल एक श्लोक पढ़ाना कृष्ण का, कितना बांके बिहारी की देख चटा और मेरा मन है गयो लटा बता, इसलिए वो इतने सुंदर हैं। बोले कुर्बन अहितु की भक्ति हरी, भगवान की कथा सुनने पर बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े जोगी भी सब कुछ छोड़ करके कुर्बन अहितु की भक्ति भगवान को प्रेम करना शुरू कर देते हैं। बोले जिस समय ये कंस ने बड़ा अत्याचार किया, इतने अत्याचार उसने की अपना पिताजी को ही जेल में बंद कर दिया, और जितने साधु संतों को जेल में बंद कर दिया। बोले केवल नाम लेना तो मेरा ही नाम ले सकते हो, यज्ञ में आहुति देना तो मेरा नाम पर आहुति दे सकते हो, भगवान भगवान कुछ नहीं। उसने इतने टहलका उन्होंने मचा दी। बोले मेरे देश में यज्ञ नहीं कर सकते हो, कीर्तन नहीं कर सकते हो। अभी पृथ्वी बड़ी दुखी हो गई, ब्रह्मा जी के पास में गए, फिर शंकर जी के पास में, फिर इंद्र के पास में, और सारे देवता लोग जाकर के खीर समुद्र में सबके सब भगवान को स्तुति की पुरुष सूक्त मंत्र से। आकाशवाणी हुई, बोले चिंता मत करो हे देवताओं, तुम लोग जाकर के जदुवंश में जन्म ग्रहण करो, हे देवियां ब्रज में गोपी रूप में जन्म ग्रहण करो। अभी ठाकुर जी आने वाले हैं, इतने में श्री वसुदेव महाराज देवकी को साथ में लेकर शादी हुई। कंस ने बहुत कुछ दहेज रूप में दिया, जब वो विदाई कर रहा था आकाशवाणी हुई, बोले रे मुड़ कंस, जिस देवकी को तुम इतने आनंद पूर्वक विदाई दे रही हो, इसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरा काल बनेगा।
ये देवताओं का वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। बोले ना रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। उसने तो देवों की चोटी पकड़ करके मयान से तलवार निकाल करके मारने जा रहा था। वसुदेव ने देखा आकाशवाणी झूठी नहीं होगी, किसी तरह से देवी को बचा लो। कैसे बचाए? उनने साम ताम दंड दे हर तरह से समझाने के लिए कोशिश की, लेकिन वो समझा नहीं। बोले देख वसुदेव, देख कंस, ये शादी का समय है, अपना बहनी को अगर बध करोगे ना, जब तक ये दुनिया रहेगा तेरी निंदा करते रहेंगे। बोले अपना बहनी को हत्या की, ऐसे जीवन कोई जीवन है? बोले आकाश भाई नहीं सुनी, बोले मैंने भी सुनी है। बोले ये बताओ तू एक दिन मरोगे नहीं, बताओ आज नहीं तो 100 साल बाद में मरोगे? बोले हाँ मरूंगा। बोले कौन मरता है? ये शरीर, लेकिन ये आत्मा कभी मरती है? ये तो केवल एक चोले को छोड़कर दूसरे चोले को ग्रहण करता है, जैसे कीड़ा होता है ना, देखो ऐसे ऐसे चलता है। जब ये रख ले पर पिछले प्यार को तभी हटाता है। ये आत्मा मरती नहीं, ये केवल ये शरीर को बदलाती है, ये आत्मा कभी मरती नहीं। जैसे एक वस्त्र पुराना हो गया, उसको छोड़ करके हम एक नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह जो आत्मा है केवल नए वस्त्र को धारण करती है, कभी मरती नहीं। तभी उन्होंने बात सुनने के लिए तैयार नहीं। बोले देख तेरे को पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मेरे जितने बच्चे होंगे सारे बच्चे को तेरे को दे दूंगा, तू सबको मार दे, लेकिन तू देवकी को मत मारो। ठाकुर की इच्छा छोड़ दिए, पहला बेटा हुआ गोपिका। उन्होंने जो बच्चे को लेकर तो कंस को दिया, कंस का हृदय पिघल गया। बोले अपना बेटे को मृत्यु का हाथ में संतुष्ट हो गया, अभी जा तू ये बेटे को ले जा, इससे मेरा कोई डर भय नहीं, अष्टम गर्भ का संतान से मेरा डर है। नारद जी ने देखा बड़े गड़बड़ी हो गई, क्योंकि भगवान तब तक नहीं आएंगे जब तक पाप की खड़ा नहीं भरेगी, और इसकी हृदय में तो दया की भावना आ रही है, भगवान आने में देर लगा देंगे। नारद जी बिना बजाते बजाते आगे बोले महाराज कंस अभी अभी मैं स्वर्ग से आ रहा हूँ, ब्रह्मा जी सारे देवता को लेकर के मीटिंग कर रहे थे, वो मीटिंग का विषय वस्तु है तेरे को मारेंगे कैसे, देख ये जितने जदुवंशी कोई नहीं, ये सारे देवता लोग जन्म ग्रहण किए मारने के लिए, ये जितने गोपी कोई नहीं, ये सब के सब देवी हैं। देख कंस एक फूल लाए थे जिसमें 8 पंखुड़ियां थी, बोले इसमें ये बताओ इसमें 8वां कौन इसमें 1वां कौन? बोले कैसे बताएंगे, इधर गणो तो 1 2 3 4 5 7 8, इधर गणो तो 1 2 3 4 5 7 8। बोले गुरुजी क्या बताना चाहते हो? बोले इतने समझ में नहीं आ रही है। बोले नहीं, बोले देवता का बात समझना बड़ा कठिन, तू तो इधर से गिन रहे हो, अगर वो उल्टा से गिने तो जिसको 1 कर रहे हो ना वो 8वां हो जाएगा। जब ये बच्चे बड़े होंगे कि नहीं? बोले हाँ। बोले सब तेरे को मिल करके मारेंगे। बोले गुरु जी सबको मार दो। बोले भैया मैं क्यों बताऊं, तू जानता है तेरा बात जानता है। उन्होंने उनको भड़का दिया और भड़का करके नारद तो भाग गई वहां से, और उसने एक एक करके 6 बच्चों को उन्होंने समाप्त कर दी। बोले भैया नारद जी ऐसे अनहोनी क्यों किए, गड़बड़ी? बोले नारद मरवाते नहीं, नारद मुक्ति दिलाते, ये पहले जन्म में ब्रह्मा का मानस पुत्र थे। एक दिन ब्रह्मा एक सुंदर लड़की को उन्होंने सृष्टि की, सचमुच से वो इतने सुंदर थी स्वयं ब्रह्मा अपना बेटी को ऊपर आ सके, और बेटी को पीछे भागे थे। इन लोगों ने देख करके बोले देखो ये बूढ़े को अपना बेटी को पीछे भाग रहा, लेकिन ब्रह्मा जी अभिशाप दिया। बोले मेरे को देख रहे खिली उड़ाए, बोले जाओ अपना पिताजी को हाथ में 3 जन्म तक मरोगे घर में मुक्ति मिलेगी, 2 जन्म तक मर चुके हैं और इसी जीवन में उनको मुक्ति मिल जाएगी, 3 जन्म में मरेंगे तो, इसलिए उनको मरवाया नहीं, उनको उन्होंने मुक्ति दिला दिया। कहते ये 6 बेटे कौन है? बोले काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, ये 6 बेटे हैं। कहते पहले अगर भगवान को कोई हृदय में बैठना चाहते हो पहले क्या करो, ये 6 बच्चों को मारो। बोले ये कंस कौन है? बोले भाई हम क्यों भजन कर रहे हैं? बोले भाई से अगर भजन नहीं करेंगे हमें ये 84 लक्ष जोनि में भटकना पड़ेगा, इसलिए हम भय से भजन कर रहे हैं। ये कंस नहीं, ये भाई, भय से क्या करो, ये 6 बच्चों को मारो। सप्तम गर्भ में श्री बलदेव प्रभु स्वयं धाम स्वरूप
सेवा स्वरूप में भगवान को जो धारण करते हैं, ये संधिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता स्वयं बलदेव प्रभु को धारण करते हैं भगवान को, ये सप्तम गर्भ में और अष्टम गर्भ में कौन आएगा? श्री कृष्ण कने आएंगे। हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत अच्छी बात बताते हैं। हाँ देखो, इतना ध्यान देकर सुना, कृष्ण ये अष्टम गर्भ में क्यों आए? ये अष्टम गर्भ है क्या चीज? जैसे क्लास 1, 2, 3, 4, 5 होता है, उसी तरह साधन का 8 स्टेजेस होती है, 8 सोपान होती है, और जो अंतिम सोपान ये 8वां स्टेज, और ये 8वां स्टेज में कृष्ण दर्शन। देखो ध्यान देखो सुनो, पहला जो स्टेप है, सीढ़ी है, ये श्रद्धा। जैसे आप लोग अंदर में श्रद्धा है, इसलिए आप यहाँ पर कथा सुन रहे हैं। पहला यही भक्ति का पहला स्टेप, उसको बाद में साधु संग। जब श्रद्धा लेकर के यहाँ पर आए, फिर साधु संग से भगवान की कथा सुन रहे हो। जब भगवान की कथा सुनते हैं, हमें क्या पता चलता है हम कौन है? हम है कौन? बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशी। जीव कौन है? हम सबके सब भगवान के औलाद है, हम सबके सब ठाकुर जी की संतान है। हमें ये चीज सत्संग से पता चलता, हम सबके सब ठाकुर जी की संतान है। लेकिन भगवान को भूलने का वजह से संसार में ये माया में आकर के हम दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, हैं? अब ये साधु संग से ये बात पता चलती, जब ये बात पता चलती, तीसरा स्टेज किया, बोले भजन क्रिया। जब पता चलता हम भगवान की संतान, हमारा कर्तव्य क्या? बोले प्रभु भगवान की भक्ति करना। फिर हम भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं। बोले चौथा स्टेज, बोले अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ मतलब अनर्थ 4 तरह का अनर्थ, पाप है, असतृष्णा, अपराध, हृदय द्रौबल्य, ये 4 तरह का ये अनर्थ है, मतलब जो अर्थ नहीं, जो गंदी चीज है। जब हम भगवान की भक्ति करना शुरू करेंगे हृदय से, ये सारे काम क्रोध लोभ जितने अनर्थ है ये सब नष्ट हो जाएगा। चतुर्थ, बोले पंचमा स्टेज क्या? बोले रुचि। रुचि मतलब जब हृदय से ये सब चीज हट जाएगी, जैसे अभी किसको बोले भजन करने के लिए ना मन नहीं लगता, फिर टीवी खोल कर बैठ जाओ, 3-3 घंटा सिनेमा देख लेंगे, लेकिन भगवान की भजन की बात बोलो, 1 मिनट माला लेकर बैठो मन में, हाँ ऐसे उच्चाट उच्चाट सा हो जाती है, ये माला कब खत्म हो गया, कब माला खत्म नहीं हो रही, रुचि नहीं लगती। बोले क्यों? बोले हृदय में तरह तरह के अनर्थ पाप भर रहे हैं। इसलिए पंचमा स्टेज में रुचि, रुचि मतलब है जैसे कोई बढ़िया सब्जी बना हुआ, बड़ा टेस्ट है, बोले भैया और थोड़ा दो, और थोड़ा दो, और थोड़ा दो, इसमें कहते रुचि। जब रुचि स्टेज आएगी, तीन भजन में आनंद लगेगी, बोले कब काम खत्म हो और माला लग रहे बैठे गीता भागवत पढ़े, हैं रुचि। उसको बाद में छठवां जो स्टेज, बोले निष्ठा। बोले निष्ठा मतलब बोले इतने पक्की हो जाते हैं भगवान भक्ति में, इतने पक्की हो जाते हैं, जैसे मीरा, मीरा की कथा सुनिए ना, उसको सारा दुनिया विरोध हो गए, जो भजन की पति देवर जेठ नंद सब विरोध हो गए, लेकिन मीरा ने गिरधर का रंग नहीं छोड़े। हरिदास ठाकुर के ऊपर में 22,000 पिटाई हो गई, लेकिन उसने भगवान के भजन कभी नहीं छोड़े। लेकिन हम लोग क्या है, थोड़ी सी कोई भजन करते करते विपत्ति आ जाए ना, खाना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, टीवी देखना नहीं छोड़ेंगे, पहले माला को उतार कर रख देंगे, बोले भगवान की इतना भजन की और भगवान ने ऐसे बोले माला रख देंगे, पहले माला रखने के लिए पहले तैयार बैठते हैं, नहीं भगवान की भजन में ऐसे निष्ठा करो, भले ही जीवन में जो आए, एक दिन तो संसार खत्म होने वाले, लेकिन अंतिम समय में प्रभु का भजन ही साथ में जाएगा। इसलिए जितने विपत्ति आए, प्रभु की भजन कभी हमें नहीं छोड़नी चाहिए। मीरा की भजन में कितना लोग विरोध किए, और प्रहलाद का दुनिया में किसका नाम हो रही है बताओ, मीरा के नाम ले रहे, प्रहलाद का नाम, हरिदास ठाकुर का नाम ले रहे। इसलिए जैसे कि कुम्हार, हमारे गुरु जी कहते थे, अब कुम्हार को देख रहे, लोहे का जो अस्त्र बनाता है क्या करता है, पहले आग में देगा, लाल हो जाएगा, निकलेगा, खूब पिटेगा, पीट पीट कर फिर पानी में देगा, फिर आग में देगा, जब लाल हो जाएगा फिर निकलेगा, फिर पीटेगा, फिर पानी में देगा, फिर आग में देगा, लाल हो जाएगा फिर निकलेगा, फिर पीटेगा, करते करते लोहे में ऐसे एक अस्त्र बनाता है, लोहा लोहे को काट देता है। इसलिए भगवान हमें परीक्षा करते करते ऐसे पक्के बनाते हैं, ऐसे पक्के बनाते हैं ना, सीधा अपना चरण में स्थान दे देंगे। इसलिए थोड़ी मोड़ी कोई विपत्ति आए तो कोई भगवान की भक्ति, उसको निष्ठा, उसके बाद भाव, भाव में आसक्ति, भाव में क्या होता है,
फिर भगवान की अनुभूति होने लग जाती है। कभी मीठी मीठी कन्या की बंसुरी की आवाज सुनने को मिलेगी, कभी कृष्ण की चरण की नुपुर की ध्वनि मिलेगी, कभी ऐसे लगेगा ठाकुर जी हमें स्पर्श कर रहे हैं, कभी लगेगा ठाकुर जी अधरामृत पान कराए, कभी लगेगा ठाकुर स्वयं प्रकट हो गए। इसको भाव अवस्था कहते हैं। और प्रेम में साक्षात कृष्ण दर्शन, कृष्ण दर्शन फिर ये जन्म मृत्यु का माला खत्म और सीधा ठाकुर के पास चले जाए है। इसलिए अष्टम स्टेज में कौन आए? कृष्ण आए अष्टम स्टेज में। इसलिए कृष्ण अष्टम स्टेज में आए। अभी भगवान कृष्ण आ रहे हैं। जब भगवान कृष्ण देवकी गर्भ में आए, सारे देवता उनके स्वागत कर रहे हैं। हम भी एक मिनट ठाकुर को स्वागत करते हैं। बोले सुस्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम, सुस्वागतम, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण। ठाकुर जी आने वाले, देखो साधारण अगर मोदी आ जाए ना, देखना उनके लिए कितने स्वागत, कितने सजावटे हैं। अभी कौन आ रहे हैं? ठाकुर जी का, भगवान की, सारा दुनिया का जो मालिक। क्या उसी समय बोले, अतः सर्व काल अपेक काल परम शोभन, जितना छह ऋतु एकत्रित हो गए, जितने वृंदावन में, जितने वृक्ष में फल फूल से लद गए, पृथ्वी वृंदावन धाम इतने प्रसन्न हो रही थी। बोले क्यों प्रसन्न हो रही थी? बोले हर अवतार में ठाकुर जी मेरे ऊपर कृपा की। ब्रह्मा अवतार में सत्ययुग में मेरे को अपना पत्नी बनाए और चरणों को जरा पृथ्वी पर नापे, और त्रेता युग में माता सीता की कहाँ से प्रकट हुई बताओ तो? मैया सीता कहाँ से जन्म हुई थी? कौन बोलेगा हाथ उठा? मैया सीता कहाँ से जन्म हुई? धरती से। इसलिए सीता की मैया कौन होगी? धरती। और सीता की शादी किससे हुई? राम से। बोले राम का धरती क्या होगी? सासू। बोले तृतीया युग में मेरे को अपना सासू बनाए, और द्वापर युग में सत्यभामा स्वयं ये पृथ्वी बनकर के आई। इसलिए पृथ्वी बड़ी प्रसन्न हो रही थी, और नंगे प्यार से भगवान भ्रमण करेंगे, चरण को स्पर्श मिलेगा, इसलिए पृथ्वी बड़ी खुश हो रही थी। और वृंदावन की खुश हो रही थी। बोले प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते, भगवान कंदरे कंदरे कुंज कुंजन लीला करेंगे, इसलिए वृंदावन धाम प्रसन्न हो रही थी। कहते सूरज चंद्रमा अष्टमी रात बुधवार रोहिणी नक्षत्र को जन्म हुए, भादो की महीना, चंद्रमा अष्टमी का आधा होती है, लेकिन आज भगवान ये चंद्रवंश में आ रहे हैं। चंद्रमा एकदम पूर्ण चंद्र रूप में प्रकट हो गई। लेकिन भगवान जब राम आए थे, कौन सा वंश में राम आए थे? कौन वंश में? सूर्य वंश में। गोस्वामी जी वर्णना करते हैं, जब भगवान सूर्य वंश में आए, एक महीना तक उत्सव चले, और जो सूरज एक जगह पर एक महीना तक टिक रहे, इधर उधर हिले डोले नहीं, सारा दुनिया नाच रहे थे, लेकिन चंद्रमा कोण में बैठ बैठ कर रो रहा था। भगवान ने बोले चंद्रमा देख, मेरे जन्म उत्सव में सब के सब आनंद ले रहे, तू रो रहे क्यों? बोले रोऊंगा नहीं, क्या हंसूंगा? बोले क्यों हंसो? तुम भी हंसो, तुम भी नाचो ना। बोले प्रभु तभी तो मैं आ सकता हूँ जब सूर्य हटेगा, ये एक महीना से देखो एक जगह पर खड़ा हुआ, वो हट नहीं रहे, फिर मैं कैसे आऊंगी? इसलिए मैं तो दुखी हो गया प्रभु। बोले चिंता मत करो, अगले जीवन में ना तेरे वंश में आऊंगा। बोले पता नहीं कब आओगी। बोले कोई बात नहीं, मेरा नाम तो राम होगा, लेकिन मेरे नाम में तेरे नाम को जोड़ दूंगा, मेरे को दुनिया राम चंद्र कहेंगे, खुश हो? बोले प्रभु मैं खुश हूँ। अभी कृष्ण कौन सा वंश में आ रहे हैं? चंद्र वंश में, अष्टमी का रात, लेकिन आज वो इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न, चंद्रमा एकदम पूर्ण चंद्र रूप में प्रकट हो गई, पूर्ण चंद्र रूप में। भगवान दीन में आए, सूर्य वंश में, सूर्य का प्रचंड तेज दीन दो बार में, भगवान सूर्य वंश में दीन में क्यों आए? बोले भगवान कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा को शिक्षा करने के लिए आए।
लेकिन कृष्ण रात का है, रात में क्या होता है, चोर आते ना, रात में चोरी, कृष्ण सबसे बड़े चोर है, क्योंकि कभी हृदय को चोरी करते हैं, पाप को चोरी करते हैं, क्लेश को चोरी करते हैं, इसलिए बलवाचार्य पूरा के चौराग्रह गण्यम पुरुषम नमामि, पूरा उन्होंने अष्टक लिखे, कृष्ण के सबसे बड़े चोर है, मन को चोरी करना, हृदय को चोरी करना, पाप को चोरी करना और मक्खन चोरी करेंगे, इसलिए रात को है, ये रात को है, इसलिए भगवान एकदम रात बीच में ठाकुर जी आए। लेकिन वरना आई जब भगवान कृष्ण आए ना, रिमझिम बारिश हो रही थी, आकाश में काला मेघ छाया हुआ था, चंद्रमा ऊपर मेघ नीचे, अभी चंद्रमा मेघ में लड़ाई शुरू हो गई, चंद्रमा कहते मेघ मेरे सामने से हट जा, मेघ कहता है क्यों हटूं, चंद्रमा कहता तेरे को पता नहीं आज ठाकुर जी मेरे वंश में आ रहे हैं, बस तेरे वंश में आ रहे हैं, लेकिन मेरा रंग लेकर के आ रहे हैं, अभी दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। देवता बोले भैया अभी लड़ने का समय नहीं, आनंद लेने का समय, तू हट जा, उससे भी आनंद लेने दे, तुम भी आनंद हो, दोनों मिलकर के कीर्तन कर सबके साथ, अभी ठाकुर जी प्रकट होंगे। कमल फूल खिलता है दिन में, लेकिन कमल फूल रात में खिल गया, बोले क्यों खिल गए, बोले संत जन जब भगवान की स्वरूप को उदाहरण देंगे, बोले नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिनी, बोले सब कमल को साथ में उदाहरण देंगे, हस्त कमल, चरण कमल, नेत्र कमल, मुख कमल, नाभि कमल, सब कमल कमलों के साथ में, इसलिए कमल प्रसन्न होकर के रात को एकदम कमल खिल गया, सारा दुनिया जय जयकार कर रहे थे। और जो यमुना नदी की आनंद की सीमा नहीं, वो तो यमुना से कलकल कलकल नहाते करते करते बोले श्री कृष्ण के नहीं आला कलकल नहाते करते हुए बह रही थी, बोले क्यों, बोले भगवत कृष्ण मुझे अपना पटरानी बनाएंगे और यमुना जल में विहार करेंगे। और जितने सारे नदी वो भी प्रसन्न हो रही थी, बोले क्यों, बोले सबसे जो बड़ी नदी है यमुना, जब कृष्ण यमुना को पटरानी बनाएंगे ये लोग क्या बन जाएंगे, बोले हम कृष्ण का साली बनेंगे। और कृष्ण देखना कभी कभी दामाद पत्नी से सालियों को कभी ज्यादा प्रेम करते थे, कहना हमें साली होने का ना, तो हमें भी प्रेम कृष्ण करेंगे, इसलिए सारा दुनिया में जय जयकार हो रहा था। इतने में कृष्ण रात को बीच को भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुए, बोले श्री कृष्ण कहने में सेवक की वसुदेव बोले प्रभु ये क्या है, मैं तो आपको प्रार्थना किया थी बच्चे बन करके आओगे, बोले देखो अभी मैं बच्चा तो बन जाऊंगा, पूर्व जन्म की बात याद दिलाने के लिए आया हूँ, पहले जन्म में पृथ्वी सुत थे, मेरी कठोर तपस्या थी, केवल सूखे पत्ते को खा खा करके, मैंने कहा बरमागो तुम दोनों ने कहा था आप जैसे बेटा हो, इसलिए मैंने आया हूँ, देखो अभी मैं बच्चा बन जाऊंगा। और गोकुल में एक बेटी जन्म हुई है, मेरे को वहां रख करके बेटी को ले आना, बोले प्रभु कैसे जाऊं, हथकड़ी बेड़ी पड़ी हुई, इतने बड़े बड़े तालाब पहरादार है, बोले कोई चिंता मत करो, एक काम करना मेरे को अपना सर पर रख लो, फिर देखना सारे काम सही हो जाएगा, देखो ध्यान देख लो सुनो, इतनी सी बात साथ में लेकर जाओ, कम से कम सात दिन सुने हो। कहते जब उन्होंने भगवान को अपना सर पर रखा ना, दरवाजा खुल गई, हथकड़ी बड़ी खुल गई, पहरादार सो गए, बोले क्यों, बोले अगर हम कोई भी काम को भगवान को आगे रख कर करेंगे, कह देना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। लेकिन काम का समय तो भगवान को बोल देते हैं, लेकिन अगर बच्चे का भी बर्थडे हो ना, ध्यान देकर सुनो, बच्चे का भी बर्थडे हो क्या करते हैं, केक कटवाते हैं, भगवान की भक्ति भक्ति से कोई जरूरत नहीं, सारे यार दोस्तों को बुलाएंगे, पता नहीं कितने बोतल तोड़वाएंगे और कितने मांस मछली खिला देते हैं। देखो ये संतों का कहना है, बोले जिस बच्चे का बर्थडे में तुमने इतने बोतल तोड़वाया और इतने तुमने पाप की मांस खिलाई, वो बच्चे का कभी कल्याण होगी, ये संत कहते थे अगर उसका 100 साल उम्र ना झट 50 साल में आ जाए, क्योंकि तू उसके उद्देश्य में इतने पाप कर्म करवाया, इसलिए इस तरह काम नहीं करके घर में सबके सब बैठ जाओ, बैठ करके भगवान का कीर्तन करो, गंदी गंदी चीज लोगों को मत खिलाया करो, भगवान को प्रसाद लगा कर भोग खिलाओ, ठाकुर जी का प्रसाद खिलाओ, घर में हरि कीर्तन करो। और यहाँ पर हमारे सब भक्त लोग है ना, जैसे यहाँ पर दामोदर प्रभु, अजीत प्रभु जी, और हमारे यहाँ पर प्रभु का नाम क्या, तुम्हारे पीछे रवि प्रभु जी, और यहाँ पर इनको घर में बुलाओ, भगवान का कीर्तन कराओ, इनसे कथा सुनो, देखना घर में शांति सुख
और पवित्र होगा, वो बच्चे का भी कल्याण होगा। ये लोग भी सोचती बातें पढ़ करके बच्चे को आशीर्वाद देंगे। गंदे गंदे काम मत करवाया करना, इसलिए भगवान को सामने रख कर करो। शादी की साल ग्रह है, ऐसे नहीं सारे यार दोस्तों को बुला करके डिस्को डांस के ऊपर में गंदी गंदी पिक्चर का चला करके गंदी गंदी सब, ये सब नहीं करने का, नहीं करके भगवान कीर्तन करो, भजन करो, भगवान का प्रसाद खिलाओ, जिससे आपका भी कल्याण, दुनिया की भी कल्याण हो, ठीक है ना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। कृष्ण लिया बच्चों का, कृष्ण कौन बने, वसुदेव महाराज कृष्ण कहाँ है, लेकर आ जाओ बच्चे को लेकर। हाँ थोड़ा एक मिनट रुक जाओ, सभी प्रेम से कहेंगे एक बार हाथ उठा के, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। देखो यहाँ पर लोग, आप लोग इतनी सर्दी में आ रहे हैं, सभी लोग बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद है। परंतु एक बात है कि एक व्यक्ति यहाँ पर आएगा, कथा सुनेगा, उसको फल मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। परंतु ये जैसे कोई भी एक व्यक्ति आएगा, प्रसाद पाएगा और जाएगा, उसको फल मिलेगा। और कोई एक व्यक्ति आएगा, प्रसाद भी पाएगा, सबको भी खिलाएगा, उसको कितना फल मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं भागवत कथा में जो लोग इनका नाम होता है, अनाउंसमेंट होता है, जो सेवा करते हैं, वो करने की क्या जरूरत है, तो भगवान की सेवा है। परंतु देखो इस जगत में भी एक नियम है, जैसे स्कूल में कोई बच्चा फर्स्ट आता है ना, एक बच्चे ने बड़ी मेहनत की और 100% मार्क आए, एक बच्चा 70% लाया और एक बच्चा 50% आया और एक 30% और एक 0, अगर सभी को एक कैटेगरी में रख दो ना, तो बेचारा जो जिसने मेहनत की है 100% का, उसको तो कोई फल ही नहीं मिलेगा। उसका नाम आता है ना फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन, उसका इनाम भी मिलता है। ऐसे ही भागवत में भी, इस भागवत कथा में बहुत लोगों ने सेवा की है, हम सभी का धन्यवाद करते हैं। जिसने एक माचिस दिया उसका भी धन्यवाद है, जिसने एक फल लेके आया उसका भी धन्यवाद है। परंतु जो व्यक्ति इसमें बढ़ चढ़ कर सेवा कर रहे हैं, उनका उन्होंने मन किया नाम लेने के लिए, पर हम उनको रोक नहीं पा रहे हैं, हम अपनी इच्छा से ले रहे हैं। आज जितने भी भक्त लोग बैठे हैं यहाँ पर, इस प्रसाद की व्यवस्था दो माताओं ने की है, हेमा माता और रामा माता, इनके परिवार आएंगे, महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे, सभी लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था, जोर जान ताली बजाओ इन दोनों के लिए। और देखो हम जिस आंगन में बैठे हैं ना, ये कंपाउंड है, यहाँ के हमारे जेई साहब आए हैं, चरण सिंह जी, ये पिछली बार भी कथा में आए भी, और यहाँ की जो बिजली है ना, जो प्रकाश लाइट हो रहा है, हल्दी जल्दी गरम गरम लाइट जरिए बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था इन्होंने की है। इनके साथ जितने भी लोग आए, मेरे को नाम याद नहीं है, चरण सिंह जी आएंगे, महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे, ये यहाँ के जेई साहब है, इनके लिए सब लोग ताली बजा धन्यवाद करते हैं। और जो भी लोग प्रसाद पाएंगे, प्रसाद पाने का लाइन से ट्रेन से पाए, सबके लिए प्रसाद है। प्रसाद पाने के बाद पत्थर सब लोग ड्रम में रखेंगे, फेंकना नहीं इधर उधर, उसमें सारे में गंदी फैल जाती है। आप लोगों से प्रार्थना है सभी लोग पत्थरों को ड्रम में फेंकेंगे, अभिनंदन सब होगा, आनंद के साथ नाचेंगे गाएंगे, गरम गरम प्रसाद पाएंगे। हाँ, जो लोग प्रसाद के लिए, जैसे सबके लिए व्यवस्था करना चाहते हैं कोई भी, तो मेरे से संपर्क कर ले। रामा माता का परिवार और हेमा माता जी का परिवार महाराज जी से आएंगे, आशीर्वाद लेंगे। राधे कमेंट आने का राजा।
ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਭੀ ਹਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾ ਜਨਮੋਤਸਵ ਮਨਾਏਂਗੇ ਉਸਮੇ ਟੱਪੀ ਹਮ ਕੁਛ ਟੱਪੀ ਲੁਟਾਏਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਜ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਹੋ ਆਪ ਲੋਕ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀ ਮੇ ਕੁਛ ਇਧਰ ਉਧਰ ਮਿਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਗਾ ਫਿਰ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਵਰਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਲੋਕ ਟੱਪੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਟੱਪੀ ਕੋ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕੱਲ ਉਸਕੋ ਖਾਣਾ ਉਸ ਟੱਪੀ ਇਧਰ ਲੈ ਆਓ ਔਰ ਲੈ ਆਓ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਾਂ ਹੈ ਲੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਾਂ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿਆ ਬੋਲਵਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਕੀ ਬੋਲੰਦ ਕੇ ਲਾਲਾ ਕੀ ਜੈ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧੇ ਹਰਿ ਮਈਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੋ ਮਈਆ ਗੋਦ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਆਜ ਕਾ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਚ ਲੇਤਾ ਹੈ ਉਸੇ 84 ਲੱਖ ਯੋਨੀਓ ਮੇ ਨਾਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪੜਤਾ ਔਰ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਆਜ ਕੇ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਚ ਲੇਤਾ ਹੈ ਤੋ ਆਈਏ ਬੋਲਵਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਕੀ ਬੋਲਨੰਦ ਕੇ ਨਾਨਾ ਕੀ ਉਸ ਕੀ ਚਲੋ ਨੰਦ ਕੇ ਦਵਾਰ ਆਵਾਰ ਲਾਲਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਆਵ ਸਖੀ ਚਲੋ ਨੰਦ ਕੇ ਦਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਆਵ ਸਖੀ ਚਲੋ ਨੰਦ ਕੇ ਦਵਾਰ ਓ ਦਵਾਰ ਲਾਲਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਆਵ
भायो सभी के मन को भायो मिल गाओ अंगना आचार ला लागे दर्शन करे आवे कभी चलो
श्याम लाल जियो श्याम लाल तेरी कगड़ी रंग काला Thank you.
रामा माता ऊपर आ जाओ, हेमा माता और रामा माता ऊपर आ जाओ, उनके परिवार आ जाओ, ठाकुर का ऊपर आ जाओ, इस तरफ में आ जाओ, कहाँ गए सबके से, इधर से आ जाओ, रामा माता और हेमा माता ऊपर आ जाओ, प्रभु और शिवजी प्रभु कहाँ है, हरे बोल हरे बोल। विपिन गुप्ता और दीप्ति माता जी जल्दी आ हरे कृष्ण श्री राधे श्री राधे हरे कृष्णा हरि बोल हरे हरे कहाँ पारवाली माता जी कहाँ है हरे कृष्णा अरे बाप बुला लेती ना ऊपर ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ आरती करो आरती चलो हरे कृष्णा अरे कहाँ बोल रहे हैं बेटी आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय अपना जन्म सुफल कर लीजे अपना जन्म सुफल कर लीजे आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय अपना जन्म सुफल कर लीजे अपना जन्म सुफल कर लीजे श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो बाबा की अखियन को तारो गोपिनी के प्राणन सो प्यारो होयने पर प्राण लुनावर कीजे आरती बाल कृष्ण की जय श्री राधावर सुभर कन्हैया ब्रज जन को नवनीत खवैया देखत ही मन लेत चुरैया है छवि नैनन में भर लीजे आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की तोतरी बोलन मधुर सुहावे तोतरी सथन संग नत सुख पावे सोई सो कृति जो इनको धावे अब इनको अपनो कर लीजे आरती बाल कृष्ण की जय आरती बाल कृष्ण की जय बलदाऊ को छोटो भैया बलदाऊ को छोटो भैया बनुआ कह के वो
की मैया मदन मोहन रो भन सुंदर कुछ सुना मना Oh,
अधर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म के गो माता के भारत माता के सब संतन के सब भक्तन के समवेत भक्त वृंद के हरिनाम संकीर्तन के जय जय श्री राधे। सबके सब ठाकुर को प्रणाम करो और